का पहले बंद है ना मौसम बंद है कल चल पापा कर से लेना था हम कर ही नहीं कुछ ना। हां आज थोड़ा कोशिश करनो लगा तो फिलहाल ऐसा ही है भाई कुछ सीन पहाड़ों में गजा के ऊपर क्या खूबसूरत से बादल लग रहा है। तो हमारे गांव के कुछ बहुत पुराने लोग हैं भाई जो आज भी मतलब लकड़ी की कलाकारी और काश्तकारी जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। और मौसम जो है एक दो दिन तो ठीक रहा, फिर अभी मौसम थोड़ा बारिश वाला हो गया। अभी सुबह सुबह ना बारिश होने वाली थी तो हल्की फुल्की बारिश हुई रात से, तो रात 2 बजे से बारिश स्टार्ट हो गई थी और कंटिन्यू सुबह तक लगी रही। सुबह भी थोड़ा बहुत बूंदें आई, अब तो खैर ठीक हो गया मौसम। बाकी यार आपने ना पिछली 2-4 वीडियो को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, तो मतलब मन करता है कि यार और वीडियो बनाता रहूँ अगर व्यूअर आते रहे। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ यार कि हाँ मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपको डिलीवर करूँ। तो कुछ वर्षों पहले हमने ना कीवी वगैरह लगाई थी, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो आपको पता होगा कुछ वर्ष पहले हमने कीवी के वो पौधे लगाए थे तो वो ना सही से पनप नहीं रहे थे। तो इस बार हमने गोबर वगैरह खाद वगैरह अच्छे से डाल के तो थोड़ा बहुत ठीक हो रखे हैं, अभी उन पर बहुत सारा काम करना बाकी है। भाई बिल्ली को देखो वहाँ कैसे खड़ी हो रखी है, जैसे बाघ नहीं मतलब तो चुपके शिकार करता है ना, ऐसा ही देखो हिल भी नहीं रही वहाँ से बिल्ली। देख तो यहाँ घर में ना भाई बहुत सारे चूहे हो गए थे तो हमने किसी की बिल्ली ला रखी है। देखो ये चूहे मारने में सक्षम है भाई, बहुत मस्त ढंग से चूहे मार रही है, अलावा उसने सारे चूहे ख़त्म कर दिए। मीनू तो यहाँ पे ना एक बिल्ली ने चूहा पकड़ा है, देखो यहाँ पे बहुत सारे चूहे हो गए तो हम बिल्ली लाए ऊपर से, तो ये बिल्ली देखो कैसे खिला खिला के मार रही है उसे, देखो उस चूहे को देखो भाई। जैसे बाघ बैठता है ना एक मतलब किसी को दबकने के लिए, तो वैसा ही इसका पोज रहता है हर समय, जाता है अगर यहाँ पे चूहे देखेगी ना तो तुरंत उसी पोज में बैठ जाती है, हिलती भी नहीं है बिल्कुल नहीं। तो इस बार देखो भाई कीवी काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसमें अभी ना गड्ढा बनाने के लिए है और एंगल वगैरह लगाने के लिए है। ये देखो एक यहाँ पे है, ये भी है भाई, तो इस तरह से होती है कुछ। अब इसके बगल में ना दो का एक गड्ढा बनेगा, दोनों के बीच में एक गड्ढा बनेगा और उस पर इनके बेल जाएंगे, जो बेल होंगे इनके। तय बोल पता कितने लगाया? 40 लगाया। हाँ। 100 की थोड़ा कोशिश करने लगा था, वो तो ठीक है नहीं बोलो क्या कर। अच्छा कोशिश कर देख दो था। चल बढ़िया था, कर का कोशिश। यूं पर एंगल लगान पड़ लो, अब जल्दी एंगल लगान पड़ लो, पर बड़ा बहुत हो गया नहीं। तो भाई अभी तो मैंने 2-4 पेड़ ही करे थे लेकिन इतने में ही मेरे पसीने छूट गए ढंग से, क्या करूं भाई। कहाँ चढ़ रहा है यार, पता नहीं कहाँ चढ़ रहा है पेड़ पे। मीनो देखो कहाँ चढ़ गया ये भाई, मिल ही नहीं रहा ये। अच्छा ये रहा इधर। तो भाई अब थोड़ा निराई उड़ाई करने के बाद कुछ इस तरह से हो गए हैं ये, अभी इन पे एक दिन का काम बाकी है। अभी इन पे थोड़ा सा जो एंगल होते हैं वो लगाने हैं ताकि इनकी बेल लंबी होके उसका सपोर्ट ले सके। बाकी देखो अभी कुछ इस तरह से हो गए हैं ये, तो दो के लिए एक लगाना पड़ेगा यहाँ पे। इसके साथ ही साथ यहाँ पे कुछ अखरोट और सेब के पेड़ भी है। ये रहा एक सेब का पेड़, एक सेब का पेड़ ये है यहाँ पे, एक सेब का वो है वहाँ पे। तो ये होते हैं भाई तरल जिन्हें ना व्रत वगैरह में इसकी जड़ के नीचे एक वो निकलता है आलू से, आलू टाइप का होता है वो, तो इसे गढ़वाल में बोला जाता है तरल। तो उसकी पौध भी लगा रखी है लेकिन इनकी ना देखभाल ना होने के कारण भाई ये पनप ही नहीं रहे। तो भाई 3-4 साल पहले जब ये पेड़ लगाए थे ना कीवी के, उस टाइम पे ये लगाए थे हमने 40 पेड़, मतलब मैं घर में नहीं था लेकिन पापा लोगों ने लगवाए थे। 40 पेड़ में से ये बच रखे हैं भाई, 20 बच रखे हैं आज की डेट में, बाकी सूख गए थे। बस वही है रेख देखनी है ना मेन, और फिर दूसरा इनके लिए चाहिए होता है एक ड्रिप इरीगेशन होता है सिंचाई, और गोबर वगैरह कंपोस्ट खाद वगैरह चाहिए होती है इनके लिए मेन, तो वो तो हमने की नहीं तो इसकी वजह से। बाकी इस बार देख रहे हैं भाई कितना सफल हो पाता है हमारा ये प्रयास, ट्राई कर रहे हैं।
के लिए सूट करने में यही दिक्कत है भाई, एक टेक लेने के लिए दो बार जाना पड़ता है। तो फाइनली भाई हमारा वो काम भी निपट चुका है, और उस काम के निपटते ही ना ऊपर से सूर्यदेव तो अपने दर्शन दे नहीं रहे, लेकिन बारिश और कर दी यहाँ पे आज। कुछ अपने लिए जुगाड़ बना रखा होता है भाई, मतलब यहाँ पेड़ पे उसके ऊपर से कनस्तर का हो डाल के टिन सेट डाल के यहाँ पे एक फोन यहाँ पे रख के वाईफाई चलाता हूँ अंदर थोड़ा। बाकी ये सामने है भाई अरवी के पत्ते, और आज ये ना छौंके बना रखे हमने, इनको बोला जाता है भाई क्या बोला जाता है ना, पत्यूड़ बोला जाता है, और अरवी के पत्ते हैं तो दिखाता हूँ आपको पत्यूड़ कैसे होते हैं। तो आजकल बरसातों में भाई ऐसे वाले जो मकान होते हैं जो परमानेंट रहते हैं वहाँ पे, और आग वगैरह जलती रहे, अगर धुआं होता रहे घर में, तो ये ना यहाँ से पानी नहीं टपकता है। लेकिन आजकल भाई हम तो एक ही रूम में जलाते हैं और 3-4 महीने से हैं घर में, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है रात को। रात को मतलब जब बारिश होती है ना तो पानी टपकने लगता है। तो फिलहाल ऐसा ही है भाई कुछ सीन पहाड़ों में जिनके कच्चे मकान हैं, और दो जगह रहने का यही डिसएडवांटेज है कि मतलब आधा आधा टाइम पे अगर एक जगह होते तो शायद इतना सामान की इतनी बेकदरी नहीं होती। ये भाई हमारे पत्यूड़ काम के नहीं बने आज बिल्कुल नहीं, नहीं बने ढंग से। पानी ज्यादा डाल दे नहीं तो भाई तुम कम डाल दें पानी, वाह ज्यादा नहीं डाल दें तुम कम डाल तो ना पानी थोड़ा सा डाल, मैंने एक गिलास आधा इंच थोड़ा सा डाल तो ना, वो बस सिटी मराइन में खराब हो गया भाई। आज के नज़ारे तो गजब ही हो रखे हैं, ये देखो गजा के ऊपर क्या खूबसूरत से बादल लग रखे हैं, आगे तक जा रखे हैं पूरे, और यहाँ सामने देखो भाई ये भी अलग ही गजब धारे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं यार, कितने खूबसूरत लग रहे हैं वाकई में यार। निपटाते हैं कुछ घर के काम जैसे पहाड़ों में होता है अपने डेली लाइफ स्टाइल में, और शुरू करते हैं कार्यक्रम। तो यहाँ से कितना खतरनाक व्यू लग रहा है कसम से यार, तो यहाँ नीचे पूरा गजा ढका हुआ है, और वहाँ भी देखो कितना प्यारा लग रहा है पूरा, मतलब यहाँ मार्केट यही है पता भी नहीं लग रहा। और ये देने जाना है अभी किसी का, यहाँ से हम छांस लाए थे तो वो लौटाने जाना है भाई ये। हेलो सुरेश मोल, तुम्हारा ठेके ले भूल गए यार। तो ऐसा कुछ जीवन होता है पहाड़ों में, पहाड़ों में भी क्या मतलब हमारे तो ये छान बोला जाता है जिन्हें डांडा वगैरह छान, जहाँ हम कुछ टाइम रहते हैं। और यहाँ देखो बड़ा जी हैं बहुत, मतलब यार बहुत काम करते हैं बड़ा जी की, यहाँ पे पत्ता गोभी देखो कितनी अच्छी हो रखी है, कितनी प्यारी हो रखी है, वो ऊपर वाला भी खेत देखो, और यहाँ पे मक्का वगैरह भी लगा रखा है बड़ा जी ने, ये देखो भाई मक्का वगैरह भी लगा रखा है बढ़िया से। मक्का देखो भाई कितने बड़े बड़े हो रखे हैं यार, मस्त हो रखे हैं भाई देखो, यही पहाड़ों में मज़ा होता है मतलब इन चीज़ों को खाने का ना, जब पहाड़ी चीज़ें हैं ये खाने का मज़ा बहुत सही होता है। वो देखो अखरोट के पेड़, और इसके पीछे ही तुम्हारा गजा है, और मेरा घर इस मकान के पीछे है जो सामने दिख रहा होगा हल्का, दिखता भी नहीं है उसके सामने पेड़ है क्योंकि अच्छा 4 बजे 4 बजे उठी ना भाई पैसा अच्छा भाई भला अच्छा अच्छा तब फिर मैं द्वार है वो जगह दंता का नहीं लगा लगा ले बस गाड़ी वैन फिर सुको कानी और कुछ नहीं पर फसल कुछ कन देना ही नहीं लगी कुछ नहीं होना। अरे बरखा पहले बंद है ना, मौसम कौन था ही? मौसम के अनुसार बंद है ना तो। अरे अबे गांव पड़ था है ऐसे गर्मी वही कहा गर्मी वही नहीं है अरे यार बेड़ पटाका मरो बेड़ गर्म। हमारे गांव के कुछ बहुत पुराने लोग हैं भाई जो आज भी मतलब लकड़ी की कलाकारी और काश्तकारी जानते हैं। हाँ जी हाँ छाट लीजिए खोला। तो ये एक कोठार बना रखा है भाई एक बड़ा जी ने, दिखाता हूँ आपको कितना मस्त बना रखा है ये देखो, इसमें लॉक लगा रखा है बिल्कुल बढ़िया से, और ये देखो अंदर से वेस्टेज लकड़ियों का क्या मस्त कोठार बना रखा है।